मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था उमेर को अकेला। बहुत बड़ी गलती की मैंने। रह रही थी ना उस हवेली में, पड़ी रहती बस। पता नहीं क्यों आ गई मैं। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैंने अपने बारे में क्यों नहीं कुछ सोचा, इसलिए मुझे पता था मैं उमेर को छोड़ के अगर चली गई ना अकेला तो ये लोग उस बच्चे को कच्चा खा जाएंगे। देखा क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। और मैं भी दीवानी उसको अकेला ही छोड़कर आ गई। देखा देखा क्या हो। मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में है, मैंने क्या कर दिया। मेरा बच्चा अम्मी, अम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप आज ऑफिस नहीं आई, तुम्हें फोन कर रहे थे। यू वांट पिकिंग अप, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर उमेर इज इन हॉस्पिटल। व्हाट? क्या हुआ उमेर? उमेर की वाइफ ने उमेर को गोली मार दी है और ही इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन राइट नाउ। रहम करे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह से कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर। नो 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 नो। क्यों? मैं अभी होके आई हूँ। ओके। नसरीन वहीं पे? जी। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो मुझे तुम कॉल कर लेना। ओके, और मैं वापसी में हॉस्पिटल से होता हूँ। राइट। अब सर एक्सक्यूज मी। क्या? सर आप जा रहे हैं तो मुझे आप उमेर की कंडीशन के बारे में अपडेट कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स आई विल, ऑफ कोर्स आई विल। बेटा थैंक यू। बेखबर प्यार करना नहीं, खाली तस्वीर में रंग भरना नहीं। इश्क में सताए हुए जख्म दिल पे खाए हुए दर्द
मैंने कब की एक लड़की की तस्वीर तुम्हें भेजी है, वो लड़की अभी तक पकड़ी क्यों नहीं गई? मैं कुछ नहीं जानता, इस लड़की ने मेरे बेटे को गोली मारी है, मेरे लख पे जिगर को मारा है उसने, पकड़ो उसे, सलाखों के पीछे फेंको उसे, अब सिर्फ मौत ही उसका मुकद्दर है, मैं कुछ नहीं जानता। खुशी हुई जानकर एक जंगलात के अंदर आज भी आप जिंदा हैं।